बिग बॉस के घर के अंदर जो टास्क चल रहा था अब उसका रिजल्ट क्लियर कट नजर आ रहा है। शमिता शेट्टी जीत चुकी है टास्क। जी हाँ, हालांकि घर में एक राउंड बचा है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा टास्क चला, क्या तेजस्वी के दोस्त ही उसके खिलाफ खेल गए? जो ये दावा किया जा रहा था कि ये लोग जो है दोस्त होकर फेवरेटिज्म करेंगे, जो चाल तेजस्वी करण के साथ चलने की कोशिश कर रही थी, वही चाल कल राखी ने चली और उसने कहा कि ये बहुत ऑब्वियस है, तेजस्वी को जिताएंगे। और अब शमिता जीत रही है टास्क। 6 राउंड का टास्क था जिसमें से 3 राउंड शमिता जीत चुकी है। एक तेजस्वी के नाम है, एक अभिजीत चुगले के नाम है। और अब अगर तेजस्वी जीतती भी है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब आखिरी राउंड है और 3 राउंड शमिता ऑलरेडी जीत चुकी है। तो शमिता को ये टास्क जीत गई है। और अगर आखिरी राउंड में फैसला कुछ भी हो, क्योंकि अब तेजस्वी की बारी आएगी, वो किसी एक को चैलेंज करेगी, डिबेट होगी, वो जीत भी जाती है तो भी शमिता के पास 3 एरियाज हैं और तेजस्वी के पास 2। अब इस टास्क के बाद अगर जिस कॉन्टेस्टेंट ने जीता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शमिता टिकट टू फिनाले में पहुंच गई है। तो OTT में से शमिता पहुंच गई हैं, इसके अलावा रश्मि। हालांकि बिग बॉस ने, ये लोग खुद ही आपस में बात कर रहे थे कि बिग बॉस ने ये कहा था कि ये टिकट टू फिनाले टास्क नहीं, बस उससे पहले एक स्पेशल पावर जरूर मिलेगी। तो ये देखना होगा कि शमिता को क्या पावर मिलती है। लेकिन अब तेजस्वी बहुत ज़्यादा उदास है, करण से बात नहीं कर रही, तो एक बात तो तय है कि अब शमिता जीत चुकी हैं। तेजस्वी को इस बात का जरूर पछतावा हो रहा है कि जब पहले उन्हें मौका मिला था तब करण की वजह से जो उन्हें टिकट टू फिनाले नहीं मिला, तब उन्हें अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहिए था और तब जो है अड़ जाना चाहिए था।